सब्सक्राइब करें न्यूज 89 चैनल को और बेल आइकन दबाना ना भूलें सबसे तेज सबसे पहले खबरें देखने के लिए। धन्यवाद। माँ ज्वाला क्लब रजिस्टर्ड की ओर से शहर में पौधे लगाने का कार्यक्रम समाज सेवी व संस्था के चेयरमैन साहिल तकेजा की प्रधानगी में यहाँ की पटेल कॉलोनी से शुरू किया गया। इस मौके पर जहाँ शहर की कई धार्मिक व सामाजिक संस्थाओं के पदाधिकारियों ने पटेल कॉलोनी से पौधे लगाने की शुरुआत की, वहीं इस मौके पर वार्ड की स्त्री सभा की महिलाओं ने भी अपने हाथों से शहर में पौधे लगाने का कार्य शुरू किया। माँ ज्वाला क्लब की ओर से मौके पर ही 101 पौधे लगाए गए। इस मौके पर धार्मिक संस्थाओं को श्यामा तुलसी के पौधे भी बांटे गए। यह पौधे लगाने संबंधी कार्यक्रम समाज को प्रेरित करने के लिए रखा गया था कि शहर को हम सब ने मिलकर हरा भरा बनाना है। इस मौके पर न्यूज 89 की टीम ने जहां क्लब के चेयरमैन साहिल तकेजा से बात की, वहीं आए हुए धार्मिक व सामाजिक संस्थाओं के पदाधिकारियों ने भी पौधे लगाने को एक बढ़िया कार्य बताते हुए क्या कहा, आइए सुनते हैं। माँ ज्वाला क्लब की ओर से और रायपुर की सभी धार्मिक संस्थाओं की ओर से आज ये पौधारोपण का प्रोग्राम पटेल कॉलोनी में रखा गया और यह प्रोग्राम आज ही नहीं पूरे साल एक साल का जो लक्ष्य लेकर चले हैं, हर रविवार को हर इलाके में ये पेड़ लगाएंगे अलग अलग संस्थाओं की तरफ से। और एक बात जो मैं मैसेज देना चाहता हूँ कि जो हमारे पहले बुजुर्ग थे और वो क्या कहते थे कि जब हमारा बच्चा पैदा होता था या फिर किसी की शादी होती थी तो एक वृक्ष लगाया जाता था कि जैसे ये वृक्ष फलेगा फूलेगा और वैसे ही एक जो हमारा बच्चा है परिवार है वो फलेगा फूलेगा। इस लक्ष्य को लेकर हम ये प्रोग्राम रखा है और ये प्रोग्राम जो है सभी धार्मिक संस्थाओं की तरफ से किया गया है। और मैं जो आए हुए हमारे सभी धार्मिक संस्थाओं के प्रेसिडेंट आए हैं और कैशियर सेक्रेटरी जो भी आए हैं, मैं उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ माँ ज्वाला क्लब की तरफ से, और उनसे उम्मीद रखता हूँ कि आगे भी पहुँचकर हमारा हौसला बढ़ाएंगे। जय श्री राम। इस मौके पर उप चेयरमैन दीपक शर्मा, प्रधान गिरीश वधवा, उप प्रधान रवि बब्बर, ईशान छाबड़ा सहित माँ ज्वाला क्लब के सभी पदाधिकारियों ने मिलकर पौधे लगाने की शुरुआत की। राजपुरा से कैमरामैन ललित कुमार के साथ मीडिया पर्सन संदीप चौधरी, न्यूज 89। सब्सक्राइब करें न्यूज 89 चैनल को और बेल आइकन दबाना ना भूलें सबसे तेज सबसे पहले खबरें देखने के लिए। धन्यवाद।